नोबल प्राइज़ 2023 इस टॉपिक से एसएससी स्टोनोग्राफर के एग्ज़ाम में एक से दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया तो नोबल प्राइज़ से एक भी क्वेश्चंस आप लोगों का मिस नहीं होगा। उसके लिए आपको वीडियो को पूरा वॉच करना होगा। और जो भी नए बच्चे हैं, जो भी बच्चे एसएससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा 2023 में दादा साहेब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है। आंसर अगर आप लोग चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। वहीदा रहमान, हेमा मालिनी, आशा पारेख, कोई नहीं। 2023 में दादा साहेब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? वहीदा रहमान को दिया गया है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा दूसरा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1969 में, 1971 में, 1968 में, 1917 में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना जो है ना, वर्ष 1969 में की गई थी। तो वर्ष 1969 आपका सही आंसर हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार उच्चतम और सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है जो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो अगर पेपर में पूछा जाए कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। और यह पुरस्कार जिसे 1969 में दादा साहेब फाल्के के सम्मान में स्थापित किया गया था, तो दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है ये कब स्थापित किया गया था? वर्ष 1969 में। एक भारतीय फिल्म निर्माता जिसे भारतीय सिनेमा का पिता माना जाता है, तो भारतीय सिनेमा का पिता किन्हें माना जाता है? दादा साहेब फाल्के को, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वार्षिक पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये पुरस्कार जो है ना, फिल्म निदेशालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है ये पुरस्कार। दादा साहेब ने राजा हरिश्चंद्र को निर्देशित किया, जो भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म थी और 1913 में रिलीज हुई थी। तो यहाँ से देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे कि भारत की पहली निर्देशित फिल्म का नाम क्या है? हरिश्चंद्र। इसको किसने निर्देशित किया था? दादा साहेब ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन, पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में किसे दिया गया था? पृथ्वीराज कपूर, लता मंगेशकर, देविका रानी, सत्यजीत रे। पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में किन्हें दिया गया था? तो ये पुरस्कार जो है ना, देविका रानी को दिया गया था। तो देविका रानी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें देविका रानी की, तो देविका रानी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की पहली विजेता थी, जिसे उन्होंने वर्ष 1969 में जीता था। देविका रानी विशाखापट्टनम शहर की रहने वाली एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री थी। उन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से नवाजा गया था और लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता थी। उन्हें भारतीय सिनेमा की पहली महिला के रूप में भी जाना जाता है। तो सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? राज कपूर, राजेश खन्ना, दिलीप कुमार, दादा साहेब फाल्के। भारतीय सिनेमा का जनक किन्हें कहा जाता है? दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करें दादा साहेब फाल्के की, इनके बारे में जान लेते हैं। दादा साहेब फाल्के का जन्म वर्ष 1870 में नासिक महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर में हुआ था। दादा साहेब फाल्के भारतीय फिल्म उद्योग में एक निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक थे। उन्हें भारतीय सिनेमा का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म बनाई थी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में दी जाने वाली राशि कितनी होती है? 8 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 9 लाख रुपए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में दी जाने वाली राशि होती है 10 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित संगठन फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। दूसरी बात, इस पुरस्कार में स्वर्ण कमल, गोल्डन लोटस पदक, शॉल और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल है। इस पुरस्कार के सबसे हाल के विजेता 2019 में अभिनेता रजनीकांत हैं।
अगला क्वेश्चन देखिएगा छठा, किस क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, तो वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 वहीदा रहमान को दिया गया है। फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 रेखा को दिया गया है। ये सारे क्वेश्चन याद कर लीजिए आप लोग, क्योंकि यहाँ से एक से दो क्वेश्चन तो हर हाल में ही पूछे जाएंगे। संगीत उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 हरिहरन को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे मिला है? नीलमणि फुकान, अमिताभ घोष, दामोदर मौजो, आशापूर्ण देवी? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किन्हें मिला है? तो ये मिला है दामोदर मौजो को, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करें दामोदर मौजो की, तो दामोदर मौजो वह गोवा के कवि हैं और 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं। उन्होंने अपने उपन्यास कर्मेलिन के लिए 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता और उन्होंने 2011 में अपने उपन्यास सुनामी साइमन के लिए विमला पी पाई विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्कार भी जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वह गोवा कला और साहित्य महोत्सव के सह संस्थापक हैं। तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि गोवा कला और साहित्य महोत्सव के सह संस्थापक कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है सह संस्थापक थे दामोदर मौजो। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की, अगला क्वेश्चन देखेगा, 32वें व्यास सम्मान 2022 से किन्हें सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? रामदास मिश्रा, शिव शंकरी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, दामोदर मौजो? 32वें व्यास सम्मान 2022 से किन्हें सम्मानित किया गया है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम व्यास सम्मान की बात करें तो व्यास सम्मान साहित्यिक पुरस्कार है जो पहली बार 1991 में दिया गया था। तो व्यास सम्मान साहित्यिक पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? 1991 में। यह के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा सालाना दिया जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें देखिए, इसमें एक पट्टिका और प्रशस्ति पत्र के साथ हाल ही में 2019 वितरण से 4,00,000 का भुगतान शामिल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सरस्वती सम्मान 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है? रामदास मिश्रा, शिव शंकरी, आशापूर्ण देवी, दामोदर मौजो? सरस्वती सम्मान 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, 32वां जीडी बिड़ला पुरस्कार 2023 से किसे दिया गया है? 32वां जीडी बिड़ला पुरस्कार 2023 किन्हें दिया गया है? प्रोफेसर नीलेश बी मेहता, प्रोफेसर नारायण प्रधान, पीयूष गोयल, रघुराम राजन? 32वां जीडी बिड़ला पुरस्कार 2023 से प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को सम्मानित किया गया है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी तो पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। जीडी बिड़ला पुरस्कार, इसे के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा भारतीय परोपकारी घनश्याम दास बिड़ला के सम्मान में 1991 में स्थापित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है जॉर्जी गोस्पोडिनो, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखी कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वर्ष 2005 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है। ये पुरस्कार हर 2 साल में किसी भी राष्ट्रीयता के जीवित लेखक को अंग्रेजी में प्रकाशित या आमतौर पर अंग्रेजी अनुवाद में उपलब्ध कार्य के लिए पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार यह पहली बार अल्विनाई लेखक इस्लाइम कदरे ने जीता था। यह पुरस्कार कजसे ही एक पुरस्कार है जो अंग्रेजी में लिखे गए एक उपन्यास को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रिंट चेकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? सर डेविड एलन चिपरफील्ड,
जीन फिलिप वाशल, योवोन फेरल, रेमन विसाल्टा। प्रिंटजिकर ऑर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो ये पुरस्कार सर डेविड एलन चिपरफील्ड ने जीता, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नागरिक वास्तुकार, शहरी योजनाकार और कार्यकर्ता सर डेविड एलन चिपरफील्ड को प्रिंटजिकर ऑर्किटेक्चर पुरस्कार के 2023 पुरस्कार विजेता के रूप में चुना गया। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वास्तुकला के सर्वोच्च सम्मान के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2021 का गांधी पुरस्कार से किसे दिया गया है? गीता प्रेस गोरखपुर, शेख मुजीबुर रहमान, कबूस विन सहित अल सहित कोई नहीं। तो ये पुरस्कार जो है ना, गांधी शांति पुरस्कार 2021 गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। गांधी शांति पुरस्कार 1995 के बाद से भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार, जिसमें 1 करोड़ रुपए की राशि, एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और एक उत्तम पारंपरिक हस्तकला दिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सुगत अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नमेंट ऑफ द ईयर 2023 की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? शक्तिकांता दास, रघुराम राजन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अमर्त्य सेन। सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नमेंट ऑफ द ईयर 2023 की उपाधि से शक्तिकांता दास को सम्मानित किया गया है। सुगत अगला क्वेश्चन देखिएगा, 24 अप्रैल 2023 को किससे दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पंकज उदास, विद्या बालन, आशा भोसले, अनुपम खेर। 24 अप्रैल 2023 को दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से आशा भोसले को सम्मानित किया गया, तो आशा भोसले आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर जो पुरस्कार है ना, ये नरेंद्र मोदी को दिया गया था और इसकी शुरुआत अप्रैल 2022 से हुई है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रोंज मेडल, कोई नहीं।